दोस्तों जब भी बात आती है ऑनलाइन पेमेंट लेने की या देने की तो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। यहां से अगर हम पेमेंट लेते हैं तो हमें पेमेंट लेने पर कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। मैं आपको दोस्तों आज एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिसके द्वारा अगर आप पेमेंट लेते हैं तो आपको गारंटी से कैशबैक मिलेगा और प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर कैशबैक मिलेगा। इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट दोस्तों 50 रुपए से अधिक है। अगर आप 50 रुपए से अधिक का पेमेंट लेते हैं तो आपको 5 रुपए का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों मैं आपको दोस्तों बता दूं इस वेबसाइट का नाम है क्यूरुपया। क्यूरुपया क्या दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्यूरुपया एचडीएफसी बैंक के द्वारा साझा किया गया है, मतलब एचडीएफसी बैंक का एक तरीके से पार्ट कह सकते हैं इसको। और अभी इसका एंड्रॉइड ऐप नहीं आया लेकिन बहुत जल्द इसका आपको एंड्रॉइड ऐप भी देखने को मिल जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट है। और हाँ दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट गेट भी है, मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट आप ले सकते हैं, पेमेंट दे नहीं सकते। दोस्तों अगर आप एक दुकानदार है तो आपका बहुत ज्यादा फायदा है, अगर आप एक दुकानदार नहीं है तब भी आपका फायदा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अगर आप एक दुकानदार है तो आपका क्या फायदा है। अगर आप इस वेबसाइट के क्यूआर कोड को अपनी दुकान पर रखते हैं तो अगर इसके द्वारा आपको कोई पेमेंट देता है तो आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 5 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है इस बार कोड की, ये आपके सारे पेमेंट को एक्सेप्ट करता है, चाहे आपको कोई गूगल पे से करे, चाहे आपको पेटीएम से करे, चाहे आपको फोन पे से करे, किसी से भी करे दोस्तों, ये सारे मेथड को एक्सेप्ट करता है। दोस्तों यहां पे हुआ ये दुकानदार का फायदा। अब बात करें अगर आप एक दुकानदार नहीं है तो आपका क्या फायदा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप किसी की दुकान पर जाकर के इसको लगाते हैं तो आपको यहां पे कंपनी के द्वारा कुछ कमीशन भी दिया जाएगा। दोस्तों उसके लिए आपको चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उस दुकानदार का आपको पैन कार्ड लेना है और उसका जीएसटी नंबर लेना है और दोस्तों आपको उसका बैंक अकाउंट लेना है और उसके मोबाइल में इसको एक्टिवेट कर देना है और उसकी दुकान पर बार कोड को लगाकर चले आना है। बस आपको इतना करना है और आपको कंपनी कुछ कमीशन देगी। अब आपको ये सारा का सारा कैसे करना है वो मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने वाला हूं इसी मोबाइल पर, तो इससे जिससे कि आप समझ पाएंगे कि अगर आप किसी के मोबाइल में बार कोड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट करो और हाँ दोस्तों और पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो को नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। ओके दोस्तों तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सर्च करना है क्यूरुपया। तो मैं यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ क्यूरुपया। जैसे आपको दोस्तों ये केवल इतना ही आपको सर्च करना है, तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इसका पॉपअप खुल करके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे किसी पे भी क्लिक नहीं करना, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। यहाँ पे आपको सिर्फ से मर्चेंट ऐप पर क्लिक करना है दोस्तों। मर्चेंट ऐप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इस तरीके से इसका पॉपअप खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से इसका पॉपअप खुल करके आता है दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, देखो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक तो साइन इन का ऑप्शन दिया गया और एक यहाँ पे मर्चेंट साइनअप का ऑप्शन दिया गया है। साइन इन वो करेंगे जिन लोगों ने दोस्तों पहले से इसमें अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन आप दोस्तों यहां पे किसी का नया अकाउंट बना रहे हैं तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे मर्चेंट साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मर्चेंट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको अपना कोड डालना है, तो जो आपको दिया जाएगा आपके टीम लीडर के द्वारा। तो जैसे कि मैं यहां पे एक कोड डाल दे रहा हूं जो मेरा है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ KM0210, ये हमारा कोड है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों न्यू मर्चेंट साइनअप, तो यहाँ पे आपको दुकानदार का मोबाइल नंबर डालना है और लिंक है क्योंकि उस पर एक OTP जाएगा, वो यहाँ पे आपको वो डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, मैं आपके सामने यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। और दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करना है, तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो उसके मोबाइल नंबर एक OTP नंबर जाएगा, वन टाइम पासवर्ड होता है दोस्तों, तो उसको आपको डाल देना है। ये दोस्तों मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने का दोस्तों आपके सामने इस तरीके से पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, मर्चेंट लीगल नेम, एंटिटी टाइप ऑफ DBA नेम और कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल ईजी तरीके से। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले मर्चेंट लीगल नेम में क्या करेंगे हम दोस्तों, तो उसका जो लीगल नेम है इन द सेंस ये कि जो उसके पैन कार्ड पर उसका नाम डाला हुआ है वो आपको यहां पे उसका नाम डाल देना है। सपोजिंगली मैं यहां पे एक नाम डाल दे रहा हूं,
ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक नाम का, दोस्तों यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है एंटिटी टाइप, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो दुकान है वो इंडिविजुअल दुकान है या प्राइवेट दुकान है या पार्टनरशिप के साथ दुकान है। तो मोस्टली दोस्तों सब लोगों की जो दुकान होती है वो इंडिविजुअल होती है, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप दोस्तों इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको डालना है DBA नेम इफ डिफरेंट। अब आप DBA नेम में क्या डालना है दोस्तों, आपको उसकी दुकान का नाम डाल देना है। जैसे उसकी कुछ दुकान हो सकती है, बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी कोई दुकान नहीं होती है, तो फिर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वही डालना है। वैसे अगर है उसकी दुकान का नाम तो दुकान का नाम डाल दीजिए, क्योंकि मोस्टली सबकी कुछ ना कुछ दुकान का नाम जरूर होता है। सपोजिंगली मैं यहां पे आपके सामने एक दुकान का नाम डाल के बता देता हूं, जैसे तो मैं आपके सामने यहां पे डाल दे रहा हूं बाबा मोबाइल शॉप, ठीक है। तो जैसे यहां पे मैं डाल दूंगा उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, उस व्यक्ति का नाम डाल देना है। अब व्यक्ति का नाम चाहे तो आपने जो स्टार्टिंग में पैन कार्ड वाला डाला था वही डाल सकते हैं, या कोई डिफरेंट भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो सपोजिंगली जो मैंने ऊपर डाला था यहां पे मर्चेंट डीलर नेम में, वही नाम मैं यहां पे फिर से अगेन टाइप कर दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी, फोटो ऑफ लीगल प्रूफ। अब आपको फोटो लेना है उसके लीगल प्रूफ का, चाहे तो पैन कार्ड हो सकता है या फिर GST नंबर हो सकता है दोस्तों, दोनों में से आपको किसी एक का फोटो ले लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है चूज फाइल का, तो जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अगर आपने आपके पास उसका पहले से ही है तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वहां से निकाल लेंगे। अगर आप उसका फोटो लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कैप्चर इमेज पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और आप उसके पैन कार्ड का दोस्तों फोटो ले सकते हैं। तो मेरे पास एक पैन कार्ड है, मैं आपके सामने दोस्तों उसका फोटो लेकर के बताता हूँ। मैंने एक फोटो क्लिक करा और ये फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे राइट पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे राइट पर क्लिक करूँगा उसके बाद दोस्तों ये जो मेरा पैन कार्ड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, वेरी सून आपके सामने ये अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फाइनली ये जो पैन कार्ड है वो अपलोड हो गया और आपके सामने इस तरीके से इसकी इमेज आ रही है। दोस्तों कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा क्लियर तरीके से नहीं क्लिक हो पाता, तो आप यहाँ पे रीटेक फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सही आया है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगी, वो होगी फोटो ऑफ एड्रेस प्रूफ। अब उसका आपको एक एड्रेस प्रूफ का फोटो लेना है। अब वो एड्रेस प्रूफ कौन से हो सकते हैं, वो ऑप्शनेबल है, जैसे कि उसका GST नंबर हो सकता है दोस्तों, गवर्नमेंट लाइसेंस हो सकता है, शॉप यूटिलिटी बिल हो सकता है, फोन बिल हो सकता है, इंटरनेट बिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो मोस्टली क्या होता है, सब लोगों के पास GST नंबर मिल ही जाते हैं, तो वही GST आपको नंबर यहाँ पे अपलोड कर देना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दुकान का GST नंबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप दोस्तों क्या करेंगे, यूटिलिटी बिल मतलब बिजली के बिल का सबके पास नंबर होता है इस टाइम पर, तो उसके आप बिजली के बिल की फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और दोस्तों एक आपके लिए बढ़िया बात और है, मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में आपने देखा पैन कार्ड और GST पूछ रहा था वहाँ पे, तो अगर किसी व्यक्ति के पास GST है तो वहाँ पे मैंने पैन कार्ड अपलोड किया था, वहाँ पे आप GST अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप GST अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि वहाँ पे आपने पैन कार्ड अपलोड किया है तो यहाँ पे आपको GST अपलोड करनी पड़ेगी। अगर GST नंबर उसके पास है दोस्तों तो दोनों जगह आप GST नंबर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक GST है, GST नंबर है, उसका मैं आपको फोटो अभी अपलोड करके बताता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद कैप्चर इमेज करेंगे, कैप्चर इमेज करने के बाद आपके सामने आपको कैमरा ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको उसके GST नंबर का एक फोटो ले लेना है। मेरे पास एक है, मैं आपके सामने दोस्तों फोटो क्लिक कर ले रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे कि GST नंबर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, देखो ये लिखा है GST नंबर, इस तरीके से दोस्तों GST नंबर लिखा होता है, इसी की आपको सिर्फ और सिर्फ फोटो क्लिक करनी है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे GST नंबर की फोटो क्लिक कर ले रहा हूँ।
फोटो क्लिक करने का दोस्तों, इस फोटो को भी आपको राइट करके अपलोड कर देना है। ये फोटो भी आपके सेम जैसे आपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड किया था उस तरीके से सेम अपलोड हो जाएगी और आपके सामने ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे। अगर दोस्तों ये भी क्लियर तरीके से नहीं ली गई तो आप यहाँ पर रीटेक फोटो कर सकते हैं और यहाँ पर फिर से अपलोड कर सकते हैं। फोटो सही ली है तो आपको यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दे रहा है कि टू फोटो ऑफ शॉप, आपको दुकान के दो फोटो यहां पे अपलोड और करने हैं। एक दुकान का फ्रंट फोटो ले लीजिए और आपको एक अगेन उसके स्टॉक का फोटो ले लेना है, जैसे कि उसमें जिसमें दुकान में कोई सामान भरा है उसका फोटो ले लेना है। मतलब आपको दुकान के दो फोटो यहां पे अपलोड करने हैं। मैं देखता हूं दोस्तों अगर मेरे पास कुछ फोटो होते हैं तो मैं आपके सामने दोस्तों अभी अपलोड करके बताता हूं। दोस्तों मेरे पास दुकान का फोटो तो नहीं था लेकिन मेरे पास एक फोटो था, वो मैं आपके सामने अभी आपको अपलोड करके बता रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपलोड कर दिया और उसकी इमेज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो गई है। मैंने आप लोगों के सामने दोस्तों थैंक यू की एक इमेज ओपन की है। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बताया, आप चाहे तो उसके दुकान की फ्रंट से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख रहा है ये दूसरा फोटो आपको अपलोड करना है। अब मैं दोस्तों आपके लिए दूसरा कोई फोटो अपलोड कर दे रहा हूँ अपनी फाइल में से देख करके, कोई फोटो अगर मेरे पास होगा तो मैं अगेन अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों तो मैंने आपके सामने इस तरीके से एक स्टॉक की फोटो अपलोड कर दी है दोस्तों। अब आपको फिर से नेक्स्ट पर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बैंक का अकाउंट आपको डालना है। जिसका बैंक अकाउंट है उसका आपको अकाउंट नंबर डाल देना है दोस्तों। तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ अभी के लिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका अकाउंट नंबर डाल देना है। मैंने आपके सामने दोस्तों एक अकाउंट नंबर डाल दिया है, उसके बाद उस अकाउंट का IFSC कोड डाल देना है आपको। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे एक अकाउंट नंबर डाल दिया है और उस अकाउंट का IFSC कोड भी डाल दिया। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ऊपर दे रहा है अनेबल टू वेरीफाई बिलो बैंक इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ एडिट बैंक अकाउंट डिटेल्स और अपलोड फोटो ऑफ चेकबुक पासबुक बैंक स्टेटमेंट क्लियरली शोइंग बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। कभी कभी दोस्तों आपके सामने इस तरीके से भी पॉपअप खुल जाएगा। वैसे दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो बहुत ही रेयर केसेस में इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, नहीं अदरवाइज आपको सीधा ले जाएगा। अगर आपके सामने दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन खुलता है तो आपको क्या करना है, उसकी किसी चेकबुक का या पासबुक का फिर से दोस्तों आपको एक फोटो क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों चूज फाइल का, तो चूज फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। आज इस टाइम पर कोई चेकबुक या पासबुक तो नहीं थी दोस्तों, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ATM लिया है, उसका एक फोटो क्लिक कराया और आपके सामने इस तरीके से फोटो अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके बताता हूँ दोस्तों। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने लास्ट ऑप्शन खुल करके इस तरीके से आ जाएगा एलोकेट QR स्टिकर, मतलब जो आप उसकी दुकान पर QR स्टिकर को लगा रहे हो उसको आपको स्कैन करना है, दैट मीन्स चालू करना है। वो स्कैन करने के लिए दोस्तों अभी मेरे पास कोई भी QR स्टिकर नहीं है जैसे कि मैं आपको स्कैन करके बता पाऊँ दोस्तों। अभी के लिए फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको नो डिवाइस सिलेक्टेड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कैमरा ओपन होगा, कैमरा फेसिंग कैमरा और बैकिंग कैमरा। तो मतलब आप कौन से बैक कैमरे से लेना चाहते हैं या फ्रंट कैमरे से, तो मैं यहां पे आप बैक कैमरा क्लिक करता हूं। और दोस्तों मेरे सामने एक QR कोड है, मैं यहां पे इसके स्कैन करने की कोशिश करूंगा लेकिन ये स्कैन नहीं होगा। देखो यहां पे इनवैलिड MMS कोड आ गया है क्योंकि ये सही नहीं है इसीलिए। लेकिन अगर आपका ये सही होगा तो उसके बाद यहां पे आपका एक वेरीफाई का यहां पे बैक और यस अगेन टू मर्चेंट लिखा आ रहा है दोस्तों, यहां पे आपको वेरीफाई लिखा आ जाएगा। और जैसे ही दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा, मतलब ₹Q का कोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों।
ओके दोस्तों, तो अब आपने करना क्या है वो आप फाइनली जरूर सुन रहे हैं, जिससे कि आप उस दुकानदार को अच्छी तरीके से बता पाएँ और वो इसे आसानी से यूज़ कर पाए। मैं आपको फिर से एक बार अगेन लेकर के आ गया हूँ जहाँ से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था दोस्तों मर्चेंट साइनअप पर। ये कब किया था? जब हमें उसके मोबाइल में इसको एक्टिवेट करना था तब। लेकिन अब हमने उसके मोबाइल में एक्टिवेट कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, हमें साइन इन करना है। सिर्फ और सिर्फ साइन इन करने के लिए दोस्तों हमें मर्चेंट यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, मतलब दुकानदार को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, जिससे कि वो अपना अकाउंट है वो साइन इन कर पाएगा। अब आप ये कहेंगे या दुकानदार ये कहेगा कि ये यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से आएगा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप उसके मोबाइल में क्यू रुपया का QR कोड स्कैन करते हैं दोस्तों, वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक SMS आएगा। वो उस SMS में दोस्तों उसका यूजर नेम और पासवर्ड डाला होगा दोस्तों, वो यूजर नेम और पासवर्ड इसमें डालेगा दोस्तों और साइन इन करेगा, तो ये ओपन हो जाएगा आगे के लिए। लेकिन अब वहां पे दुकानदार का क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है, और अगर क्वेश्चन उसका नहीं है तो आपको उसको बता के जरूर आना है कि ये यूज़र नेम तो सेम रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, और आप मन चाहें जो आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आप रख सकते हैं। इस दोस्तों उसको आपको बताना है इसको इजी टू यूज़ किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि वो बार बार ना ही तो क्रोम ब्राउज़र में जाएगा, ना ही वो गूगल पर टाइप करेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे आपको बताना है इजी टू यूज़। ईजी टू यूज़ बताने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट में टॉप पर 3 बटन दिए गए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एड टू होम स्क्रीन का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दिख रहा है मर्चेंट ऐप आ गया, तो जैसे आप यहां पे ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये ऐड करने के बाद दोस्तों ये ऐड ऑटोमेटिकली लिखा रहा है। जैसे आप इस ऐड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, उसके मोबाइल में एज इट इज डेस्कटॉप की तरह सेव हो जाएगा। मैं आपके सामने दिखा देता हूं दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आ गया मर्चेंट ऐप। अगर उसके अकाउंट में कोई QR कोड को स्कैन करके पैसे डालता है तो वो किस तरीके से चेक कर पाएगा, यहां पे जैसे वो क्लिक करेगा, क्लिक करने का उसके बाद सीधा ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, साइन इन करेगा और वहां से वो देख पाएगा कि उसके अकाउंट में पैसे आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको क्यू रुपया की सारी जानकारी मिल गई होगी और आप समझ पाएंगे किस तरीके से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अभी तक बने हुए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर लेना, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।